मानसी आपको देखा जाते मानसी हाय मानसी 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 ये देखिए ये देखिए ये देखिए छोड़िए ये देखिए फ्रेंड, मैं तो वहाँ पे कुछ बात नहीं कर पाई। वो ना मेरी एक पड़ोसी है, ननद लगेगी, तो मैं उन्हीं से मिलने गई थी, कुछ काम था उनको, तो वहीं से थोड़ा बात करके आ रहे हैं। ये मानसी को यहाँ पर रख दिए हैं, वहाँ पे कुछ नहीं बोली क्योंकि वहाँ पे ना बहुत लोग था, तो बोल रहे कि क्या बोल रही है फ़ोन में, तो इसलिए यहाँ पर। अब ठंडा ना बहुत है, बहुत ठंडा है, मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना कि स्वेटर चादर तो छोड़ा नहीं जा रहा है अभी तक। ये देखिए मेरे मानसी को, मानसी अब मानसी के जा रही हूँ ना, थोड़ा सा उसको तेल मालिश कर दूँगी, मोजा उजा सब ये सब अच्छा से पहना देते हैं। अभी दोपहर हो रहा है, 2 बज रहा है, 2 बजे का टाइम हो गया है, उसके बाद कुछ काम करती हूँ। और उसके बाद ना बहुत दिनों से ना कुछ भी नहीं बनाए हैं, तो चलिए आज मैं आपके साथ एक पास्ता की रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत दिन के बाद बना रही पास्ता। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है, पास्ता डाल दिए हैं, और आयुष का जिद था कि मुझे मैगी भी खाना है, तो एक मैगी लेके आ गया था, तो हमने क्या किया मैगी को उसी में डाल दिए हैं, और उसमें नमक और तेल थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। उसके बाद इसको उबाल लेते हैं, तो उसके बाद हम वेजिटेबल यहाँ पे काट लिए हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, प्याज, मटर, टमाटर, ये सभी। तो चलिए हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये उबाल दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डालें थोड़े से जीरा, हरी मिर्च और प्याज, तो थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं, और यहाँ पर हम प्याज डाल देते हैं, और ये सभी प्याज सबको ना हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का हल्का सा पकाएंगे। उसके बाद हम मटर डाल देते हैं, और ये ना बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पे हमने मटर डाल दिया है सभी को, तो बस कच्चा कच्चा, उतना सब्जी की तरह नहीं भुनना है, सबको कच्चा कच्चा ही रखना है। और यहाँ पे हमने टमाटर भी डाल दिया है, साथ ही नमक डाल देंगे इसमें। नमक डालने के बाद थोड़ा सा टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा, और टमाटर सॉफ्ट होने के बाद सब हम इसमें मसाला डाल देते हैं थोड़ी सी। चलिए हम मसाला क्या डालते हैं, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ी थोड़ी डालेंगे कलर चेंज होने के लिए, और थोड़ा सा स्वाद भी आ जाएगा। और मिर्ची तो हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली थी, और उसके बाद आयुष के लिए मैं ज़्यादातर बना रही हूँ, तो बच्चे हैं, तो बच्चे तो मिर्ची बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता है, तो हमने यहाँ पर मिर्ची नहीं डालूँगी। और यहाँ पर ये था मैगी मसाला, और पास्ता मसाला या मैगी मसाला कुछ भी डाल सकते हैं, तो हमने मैगी मसाला डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें ये देखिए ये पत्ता गोभी डालने के बाद इसको हम ये पास्ता हमने रख दिया है। ये देखिए जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, तो एक दूसरे से चिपक जाता है, और जैसे हम इसको चलाएंगे अच्छी तरह से, तो ये देखिए अपने आप खिला खिला सा हो जाता है, इसी क्योंकि इसमें तेल थोड़ा सा डाल देते हैं ना, तो ये एक दूसरे से चिपकता नहीं है। तो ये देखिए कितना खाने में इतना यम्मी लग रहा था ना, कि बहुत ही टेस्टी भी बहुत लगा था। और आयुष तो मतलब सुबह तक ही भी मांग रहा था कि मुझे पास्ता चाहिए, तो क्या बेटा ख़त्म हो गया, तो ऐसा था। चलिए मैं उसको सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा, देखने से ही लग रहा है कि खा लूँ, बहुत ही अच्छा बना था। और मिर्ची में मैं भी मिर्ची बहुत कम खाती हूँ, तो मिर्ची भी कम था, और भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाई थी किस तरीके से इसका कलर दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए यह है सुबह का, उसके दूसरे वाला दिन सुबह का टाइम है, तो सुबह का नहीं 9 बज रहा होगा 9-10। तो यहाँ पे हमने नहा लिया है, नहाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगी पूजा। तो मैं इसके लिए ये जो तुलसी का जो चौड़ा है, तो मैं इसको ना मिट्टी का है तो मिट्टी से ही नीपूँगी। तो यहाँ पे हमने मिट्टी ले लिया, उसके
उसके बाद मैं नीप लूँगी। आज ना मेरा मंगलवारी का मतलब फास्ट है, जैसे हम मंगल का फास्ट रखते हैं ना, तो वही मंगल का फास्ट है मेरा। तो आज मैं यहाँ पे पूजा उजा करूँगी, उसके बाद जो यहाँ पे होता फल उल चढ़ाएंगे भगवान को, प्रसाद ये सब करेंगे उसके बाद। हेलो फ्रेंड, तो मैं अभी जाके मिल रही हूँ आप लोग से। कैसे है आप लोग? आज ना मैं बाल धो के नहाई थी तो बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा है। और ये देखिए, मैं बहुत दिन के बाद आज बाल धोई हूँ, आज मेरा फास्ट भी है। तो देखती हूँ सामने क्या सब करती हूँ। और अभी देखिए, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल, मानसी यहाँ पे खेल रही है, ठंडा तो बहुत है, हल्का हल्का धूप निकला है। मानसी देखिए, कितना भी गोदी में रखती हूँ ना, फिर भी गोदी में रहने का नाम ही नहीं लेती है, खाली नीचे में भागी, गोदी से उछल उछल के भागती है। तो उस टाइप से होता है हमारा अभी का रूटीन, बहुत ही ये होता है। और यहाँ ये देखिए, मैं इस टाइप की ना सिंदूर बहुत दिन के बाद लगाई हूँ, तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मानसी भी आ गई है मेरे पास, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जा 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 मानसी। अरे बा, कहीं मुँह दिखा दो, नहीं 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 दिखा दो, बाप ले बा, के अच्छा होगा अब इसको टोपी ओपी सब चेंज कर देते हैं मानसी के। चुमा दे, चुमा दो, चुमा दो, चुमा दो। अरे बा, मेरा क्यूट बेबी है, क्यूट बेबी।